बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके या क्रोम ब्राउज़र में OTS लिखकर प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन को क्लिक करें। प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से BPS 2 से BPS 16 तक न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है, जिनकी अप्लाई की लास्ट डेट 21 जुलाई 2023 है। व्यू डिटेल के ऑप्शन को क्लिक करके किसी भी पोस्ट के सामने दिए गए व्यू के ऑप्शन को क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट के सामने दिए गए व्यू ऐड को क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करें। BPS 16 की जुडिशियल असिस्टेंट की 6 पोस्ट ओपन मेरिट पंजाब इस्लामाबाद सेम KPK के लिए आई हैं, जिनके लिए MS ऑफिस का नॉलेज होने के साथ साथ लॉ ग्रेजुएट होना लाजमी है, जबकि एज लिमिट 28 ईयर्स रिक्वायर्ड है। BPS 16 की सॉफ्टवेयर डेवलपर की 2 पोस्ट पंजाब इस्लामाबाद और KPK के लिए आई हैं, जिनके लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ 16 ईयर BS इन CS, IT, SE, AI या DSO। BPS 16 की सॉफ्टवेयर डेवलपर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में 1 पोस्ट ओपन मेरिट पर आई है, जिसके लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ 16 ईयर BS इन CS, IT, SE, AI या DS चाहिए। BPS 16 की असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की 1 पोस्ट पंजाब या इस्लामाबाद के लिए आई है, जिनके लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस और MS ऑफिस का नॉलेज होने के साथ साथ मास्टर्स या बैचलर डिग्री चाहिए, जबकि इन तमाम पोस्ट के लिए एज लिमिट 28 ईयर्स रिक्वायर्ड है। BPS 15 की नेटवर्क टेक्नीशियन या वीडियो लिंक ऑपरेटर की 5 पोस्ट ओपन मेरिट पंजाब इस्लामाबाद सिंध और KPK के लिए आई हैं, जिनके लिए एक्सपीरियंस के साथ साथ 16 ईयर BS इन CS या IT चाहिए, जबकि CCNA या MCSE वाले को प्रेफर किया जाएगा। BPS 14 की यूजर सपोर्ट टेक्नीशियन की 2 पोस्ट पंजाब इस्लामाबाद और KPK के लिए आई हैं, जिनके लिए एक्सपीरियंस और 16 ईयर BS इन CS या IT चाहिए। BPS 14 की प्रोटोकॉल असिस्टेंट की 1 पोस्ट बलूचिस्तान के लिए आई है, जिनके लिए MS ऑफिस का नॉलेज और बैचलर डिग्री होना लाजमी है, जबकि इन तमाम पोस्ट के लिए एज लिमिट 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है। BPS 14 की स्टेनोटाइपिस्ट की 10 पोस्ट पंजाब इस्लामाबाद सिंध KPK बलूचिस्तान फाटा और AJK के लिए आई हैं, जिनके लिए शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना लाजमी है, जबकि MS ऑफिस के नॉलेज के साथ साथ इंटरमीडिएट चाहिए और एज लिमिट 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है। BPS 11 की 1 पोस्ट बलूचिस्तान के लिए आई है, जिसके लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस और मैट्रिक चाहिए। BPS 9 की टेलीफोन ऑपरेटर की 4 पोस्ट पंजाब इस्लामाबाद सिंध और KPK के लिए आई हैं, जिनके लिए PBX सिस्टम को एटलीस्ट 50 लाइन पर हैंडलिंग करने का नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ इंटरमीडिएट चाहिए। BPS 9 की लाइब्रेरी क्लर्क की 1 पोस्ट KPK के लिए आई है, जिसके लिए 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड और MS ऑफिस के नॉलेज के साथ इंटरमीडिएट चाहिए, जबकि BPS 9 की ट्रांसक्रिप्ट राइटर की 1 पोस्ट ओपन मेरिट पर आई है, जिसके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ बैचलर डिग्री चाहिए। BPS 7 की लोअर डिवीजन क्लर्क की 15 पोस्ट ओपन मेरिट पंजाब इस्लामाबाद सिंध KPK बलूचिस्तान फाटा और AJK के लिए आई है, जिनके लिए IT में 1 ईयर डिप्लोमा या MS ऑफिस का नॉलेज होने के साथ साथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट और मैट्रिक चाहिए, जबकि उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस रखने वालों को प्रेफर की जाएगी। BPS 7 की इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट बलूचिस्तान के लिए आई है, जिसके लिए 1 ईयर इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा और 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैट्रिक चाहिए, जबकि BPS 5 की डिस्पैच राइटर की 1 पोस्ट बलूचिस्तान के लिए आई है, जिसके लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक रूल से आगाह होने के साथ साथ प्राइमरी पास होना लाजमी है। BPS की नायब कासिद चौकीदार माली और क्लीनर की पोस्ट पंजाब इस्लामाबाद सिंध KPK और बलूचिस्तान के लिए आई हैं, जिनके लिए प्राइमरी पास होना लाजमी है, जबकि इन पोस्ट के लिए एज लिमिट 25 ईयर्स रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के दौरान NOC सबमिट कराना होगा, जबकि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कराना होगी, ताहम किसी किस्म की फॉल्स और रॉन्ग इंफॉर्मेशन की सूरत में कैंडिडेट्स की रिजेक्शन भी की जा सकती है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए OTS की वेबसाइट पर मुतल्लिका पोस्ट के सामने व्यू के ऑप्शन को क्लिक करके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करके अप्लाई करें,
जबकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन करके ऑनलाइन अप्लाई करें। OTS के थ्रू किसी भी पोस्ट पर ऑनलाइन अप्लाई के तरीक़ेकार की तफसीलात जानने के लिए आई बटन में दी गई हमारी वीडियो को वॉच करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।